क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो डायरेक्शन के लिए एक साइंटिस्ट ने काम किया इसके ऊपर। फेराडे ने फर्स्ट लॉ में ये बताया कि ये करंट होगा या नहीं होगा, सेकंड में ये लगाया कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा। लेंज लॉ एक नेक्स्ट लॉ है, लेंजेज लॉ या लेंज लॉ, वो ये बताएगा कि करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेंज लॉ। इसको समझने के लिए, इस डेफिनेशन को बाद में पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। कैसे? इमेजिन करो ये लूप है, ठीक, इस पे कोई करंट नहीं है, ठीक। इमेजिन करो कि मैं एक्सटर्नल बी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा इसके एक्सिस पे, कहाँ? राइट, इधर, यहां पे, ठीक। तो मैंने यहां पर बी को प्रोड्यूस किया, मान लो 10 टेस्ला। तो इसके एक्सिस पे बी कितना है? 10 टेस्ला। इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स आ जाएगा। बताओ फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? कैसे इंक्रीज हो रहा है? एरिया चेंज हुआ? नहीं हुआ। बी 10 टेस्ला है, बी चेंज हुआ? नहीं हुआ। बी इंटू एरिया चेंज हुआ? नहीं हुआ। फ्लक्स कॉन्स्टेंट है। तो जब इसका फ्लक्स कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई भी इंड्यूस करंट या ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, क्योंकि फेराडे ने क्या कहा था? चेंज चाहिए। मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, मैंने बी इसी तरफ अप्लाई किया, बट मैंने बी को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 4, 5, 6, 7, 8, और इंक्रीज करता ही जा रहा हूं। अब देखो क्या हुआ, बी इंटू एरिया फ्लक्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। जब इसका फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो इसके अंदर क्या जनरेट हो गया? इंड्यूस करंट। फैराडे ने कहा था इसमें इंड्यूस करंट जनरेट होगा। अब क्वेश्चन ये है, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो कौन बताएगा? लेंस लॉ। तो देखें कैसे लगता है लेंस लॉ। लेंस लॉ ये कहता है कि जब भी इसमें इंड्यूस करंट जनरेट होगा, वो इंड्यूस करंट जो इसमें पैदा होगा या जनरेट होगा, वो आपके चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा। देखो कैसे, जैसे अपोजिशन समझते हो, अपोजिशन का मतलब है कि अगर मैं कहूंगा इंक्रीज तो अपोजिशन वाला मेंबर कहेगा डिक्रीज, जब मैं कहूंगा डिक्रीज तो अपोजिशन वाला मेंबर कहेगा इंक्रीज, उल्टा बोलना है। देखो कैसे, मैंने यहां पर बी इंक्रीज करना शुरू किया, 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 4 टेस्ला, 5 टेस्ला, इंक्रीज होता जा रहा है। ये क्वाइल कहती है कि आप मेरा फ्लक्स बढ़ा रहे हो, मैं अपना फ्लक्स बढ़ा नहीं सकता या मैं बढ़ने नहीं दूंगा। अगर आप मेरा फ्लक्स बढ़ा रहे हो, मैं अपोज करूंगा और मैं इस फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने दूंगा। तो आप पूछोगे फिर तू क्या करेगी? ये कहेगी मैं करंट जनरेट कर लूंगी अपने अंदर, क्योंकि फैराडे ने कहा था इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो कहती है मैं करंट जनरेट कर लूंगी और करंट की डायरेक्शन ऐसी रखूंगी कि मेरा जनरेटेड करंट आपके बी के ऑपोजिट हो। आपका बी यहां पर इंक्रीज हो रहा है तो मेरा बी यहां होगा एक्सिस पे, और यहां कैसे होगा? जब ये कॉइल करंट कैसे जनरेट करेगी? इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब करंट ऐसे चलेगा तो बी अपने आप ही इधर जाएगा और आपके इंक्रीजिंग बी को क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोजिशन समझ में आया? आपने बी कैसे इंक्रीज किया था ऐसे, ये क्या करेगा अपना बी? उल्टा। और उल्टा करने के लिए करंट कैसे घुमाएगा? इस डायरेक्शन में करंट अपने आप जनरेट हो जाएगा। राइट, अपोजिशन हो गई। चलो आपने कहा चलो लगता है कि इसको बी पसंद नहीं है इंक्रीज करवाना, मैं ऐसा करता हूं बी को कम कर देता हूं। यहां पर बी मान लो 10 टेस्ला है, 10 टेस्ला, 9 टेस्ला, 8 टेस्ला, 6 टेस्ला कम होता जा रहा है। अब ये कॉइल ये बोलती है कि आप मेरा फ्लक्स कम कर रहे हो, मैं इस फ्लक्स को कम भी नहीं होने दूंगी। ऐसे कैसे कम कर रहे हो? मैं ऑपोजिशन शो करूंगी और फ्लक्स को बढ़ा दूंगी। अब उल्टा हो गया, आप जब बढ़ा रहे थे ये कहती है मैं कम कर दूंगी, अब आप कहते हो कि मैं कम करता हूं बी या फ्लक्स, ये कहती है कम क्यों कर रहे हो, मैं बढ़ाऊंगी। तो बढ़ाने के लिए लूप क्या करेगी? अपना भी यहां कम कर रहे थे, यहां आपका एक्सटर्नल भी इस तरफ है और जो डिक्रीजिंग है ये अपना भी इसी तरफ कर लेगी, और ताकि आपके डिक्रीजिंग बी को क्या कर सके? बढ़ा सके। और अगर ये अपना भी इधर करेगी तो करंट कैसे हो जाएगा? इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब आप इंक्रीज कर रहे हो बी इस तरफ, ये अपना भी इधर कर लेगी, जब आप डिक्रीज कर रहे हो बी इधर तो अपना भी इसी तरफ कर लेगी, तो इंक्रीजिंग बी को अपोज करेगी, क्योंकि बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ताकि बी का नेट वेक्टर कम हो जाए। और अगर डिक्रीज कर रहे हो बी तो फिर ये अपना भी इस तरफ कर लेगी ताकि डिक्रीजिंग बी को बढ़ाया जा सके। तो
क्लियर? ऑपोजिशन समझ में आया कैसे हुआ? तो ये हर हालत में क्या करेगी? अपोज ही करेगी। आप अगर इस डायरेक्शन में बी को बढ़ाओगे, अगर आप इस डायरेक्शन में बी को बढ़ाओगे तो ये इंड्यूस्ड बी इधर कर लेगी और इधर करने के लिए करंट ऐसे कर लेगी। यहां कंफ्यूजन क्या होती है, काफी लोग मैं देख रहा हूं कि डायग्राम के ऊपर नजर मार रहे हैं। ये डायग्राम के चक्कर में ना पड़ना, ये बहुत लोगों के क्वेश्चन गलत करवाता है, क्योंकि आधों को लगता है कि ये करंट अंदर जा रहा है और ये वाला हिस्सा बाहर है, ये वाला अंदर है। आधों को लगता है कि ये बाहर है और ये वाला हिस्सा अंदर है, ये कभी नहीं पता लगता। तो ये तभी मैं घड़ी लेके या सर्कल लूप लेके खड़ा हूं ताकि एग्जैक्टली बता सकूं। तो आपने डायग्राम नहीं देखना, आपने इसको देखना है। डायग्राम कैसे हैंडल करने है उसका तरीका बताऊंगा थोड़ी देर में, पर ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें, इस 3D में समझ में आ रहा है, इस लूप में? ये समझना। तो अगर मैं बी इस तरफ एक्सटर्नल बढ़ाता हूं तो कॉयल अपना भी उल्टा करेगी करंट ऐसे, और अगर मैं बी इस तरफ डिक्रीज करता हूं तो कॉयल अपना भी इसी तरफ करेगी और करंट ऐसे करेगी। यहां तक क्लियर है? यहां तक ठीक है? यहां तक वो क्या रीजन है वो तो बाद में डिस्कस होगा, अभी है रेजिस्टेंस की वजह से नहीं है, कुछ और रीजन है बताऊंगा अभी, अभी तो लॉ बता रहा हूं कि कैसे यूज करना है आगे। अब अगर मैंने क्या किया, एक्सटर्नल भी इस तरफ बढ़ा दिया, मैंने भी इस तरफ बढ़ा दिया, ये कॉइल कहती है ऐसे कैसे बढ़ा दोगे मेरा भी इस तरफ, मैं करंट को ऐसे जनरेट करूंगी कि आपके ऑपोजिट भी जनरेट कर दूंगी, तो मेरा भी इस तरफ हो जाएगा राइट, क्योंकि आपने भी इधर बढ़ाया, ये अपना भी इधर कर लेगी। फिर आपने क्या किया, आपने भी इसी तरफ डिक्रीज कर दिया, चलो आपने कहा डिक्रीज करते हैं इस तरफ, जब भी इधर डिक्रीज होगा तो कहेगी ऐसे कैसे डिक्रीज हो गया, अब मैं भी इसी तरफ लेके जाऊंगी ताकि मैं आपके डिक्रीजिंग बी को बढ़ा सकूं, तो करंट ऐसे हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो लेंज लॉ में ये कैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें दोनों तरफ से लगता है, आपको यहां से समझ में आएगा। यहां से समझना क्लियर है? ठीक, फिर से फिर देखो, बी इस तरफ इंक्रीज कर रहा हूं एक्सटर्नल, ठीक है, तो मैं बाहर से भी यहां इंक्रीज कर रहा हूं, ये कॉइल आपके इंक्रीजिंग बी को अपोज करेगी। कैसे? ये कहेगी अगर आप बी यहां इंक्रीज कर रहे हो तो कॉइल कहती है कि मैं अपना बी इस तरफ प्रोड्यूस करूंगी, अपना बी, सॉरी रिपीट कर रहा हूं, अगर आप बी यहां इंक्रीज कर रहे हो तो कॉइल अपना बी इस तरफ प्रोड्यूस करेगी ताकि आपके इंक्रीजिंग बी के वेक्टर ऑपोजिट करते और करंट कैसे घुमाएगी ये रहा। लेकिन अगर आप बी यहां कम कर रहे हो तो कॉइल ऑपोजिशन शो करने के लिए करंट ऐसे घुमाएगी कि इसका बी भी आपकी बी की तरफ चला जाए ताकि डिक्रीजिंग बी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, जब आप कम कर रहे हो तो ये बढ़ा देगी, जब आप बढ़ा रहे हो तो ऑपोजिशन से ये कम कर देगी। तो सिंपल रूल है, अगर वेक्टर बी का यहां इंक्रीज हो रहा है तो समझो इसका भी इधर गया, अगर बी यहां डिक्रीज हो रहा है तो समझो इसका भी इसी तरफ गया। क्लोज? ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक, क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट